हरे कृष्णा। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिय तुलसी देवी के सिर्फ दर्शन करने से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनसे प्रार्थना करने से सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी को प्रणाम करने से यमलोक नहीं जाना पड़ता और जब हम उन्हें दीप दिखाते हैं तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रोज तुलसी देवी की आरती करनी चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आचमन पात्र में जल लेकर अपने हाथों को शुद्ध कर लें। फिर आरती की थाली तैयार करें। इसमें दीप, धूप अथवा अगरबत्ती, फूल और घंटी रखें। आचमन पात्र से थोड़ा सा जल दीप, धूप और फूलों पर छिड़क कर उन्हें शुद्ध कर लें। इसके बाद बाएं हाथ से घंटी बजाते हुए दाएं हाथ से तुलसी देवी को 7 बार धूप या अगरबत्ती दिखाएं। इसी प्रकार बाएं हाथ से घंटी बजाते हुए दाएं हाथ से तुलसी देवी को 7 बार दीप दिखाएं। पुनः बाएं हाथ से घंटी बजाते हुए दाएं हाथ से तुलसी देवी को 7 बार फूल अर्पित करें। अब आचमन पात्र से थोड़ा जल लेकर तुलसी देवी को अर्पित करें। तुलसी देवी से प्रार्थना करते हुए 4 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर तुलसी देवी को प्रणाम करें। इस प्रकार रोज तुलसी देवी को जल चढ़ाएं, उनकी आरती करें और अपना भक्तिमय जीवन में तेजी से प्रगति करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।